के अंदर हुई। आइए दो शब्दों में उस झांसी वाली रानी को
के अंदर हो रहा है। बताया कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ भारत देश के अंदर, बहुत सारे बेटों ने अपनी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के अंदर बहुत से नेताओं ने उन शहीदों के नाम की बोलियां लगानी शुरू कर दी। एक मां के दिल में भड़क उठी और कहने लगी कि तुम क्या बोलियां लगाओगे हमारे बेटों की, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, जिसके घर का बेटा चला गया उसका तो सब कुछ चला गया। सुनिएगा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, अरे पाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जहां पोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जिस पिता ने अपने किले को गिरवी रख के अपने बेटे को पढ़ाया हो, उस पिता के दिल से पूछ करके देखिए कि क्या बीतता है। सुनेगा तीसरी कली के द्वारा क्या लिखा। Oh, God!
अखबारों के अंदर पढ़ते होंगे कि कैसी कैसी खबरें आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि आज किसी बेटी के साथ में बलात्कार हो गया, किसी को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया गया। ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसे ऐसे काम मेरे भारत देश के अंदर हो रहे हैं। श्रोताओं बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माए और या सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी, जब उनका भी ऐसा ही हाल होगा जैसा वो लोगों का करते हैं। आइए सुनेगा अंतिम कली के अंदर बताया कि ये भारत देश हिंदुस्तान कैसे कहलाया। सुनेगा अंतिम कली देश में आजादी।